हाय, आई एम वेलकम बैक दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है वो ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको 6 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाले हैं जिसकी नीड बहुत तेजी के बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये जो 6 आइडियाज हैं ये दिन प्रतिदिन इसकी नीड बढ़ती जा रही है और ये 100% सक्सेस होगा। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे और जितने भी हमारे वीडियो आने वाले हैं वो तब के तब बिजनेस से रिलेटेड होगा और आप इस कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मसाज सेंटर। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आपके बॉडी में या सर में अगर दर्द होता है तो आप किससे कहते हो। किसी भी घर में आपको ऐसा व्यक्ति आज के दौर में मिलने वाला नहीं है जिसके पास आपके बॉडी को या सर को दबाने वाला या मसाज करने वाला आपको मिले। अगर आपके सर में दर्द भी होता है तो आपके सर को मसाज देने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में किसी को टाइम है ही नहीं। अगर उसके पास टाइम भी है तो अपने अपने मोबाइल में लोग लगे रहते हैं लेकिन मसाज नहीं कर पाते हैं। इस तरह की बहुत सी परेशानी है। दौर में आपको ये भी बता दें कि हर व्यक्ति के पास टेंशन होता है, हर आदमी के पास टेंशन हो रहा है और वो टेंशन की वजह से हर व्यक्ति की सर में दर्द भी हो रहा है। तो आप बताइए वो कहाँ जाएगा अपने सर को मसाज दिलाने। अगर बॉडी में पेन होता है तो वो कहाँ जाएगा, या तो डॉक्टर के पास जाएगा या मसाज सेंटर जाएगा। ये दो ही वजह है, दो ही जगह है जहाँ उसको रिलीफ मिल पाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो अगर डॉक्टर के पास अगर व्यक्ति जाता है तो क्या होगा, एक अंग्रेजी दवा मिलेगी या कोई भी दवा हो उसके दवा खाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो दवा है वो रिलीफ तो देता है मगर उसकी साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मसाज है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ये जो मसाज सेंटर है ये आगे चलकर बहुत ही एक्सपेंडेबल होने वाला है, इसकी जो नीड है बहुत ही बढ़ने वाली है। और ये जो मसाज सेंटर का जो आइडियाज है, ये मसाज सेंटर का जो बिजनेस है वो बहुत ही ग्रो करेगा और 100% सक्सेस होगा। अब आइए नंबर टू की बात करते हैं। जो हमारा नंबर टू टॉपिक है वो है टी शॉप का। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि लगभग जो व्यक्ति हैं वो चाय पीते हैं। आजकल तो ये है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो चाय के ही खान पान स्टार्ट करने लगते हैं। वो खाना खाए या ना खाए लेकिन चाय बिस्किट बच्चों को जरूर चाहिए। तो आपको पता ये होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अगर जिस काम से स्टार्ट करता है, जो चीज खाता है पीता है उसकी लत लग जाती है। और आजकल जो बच्चे जो चाय पी रहे हैं उनको लत लग जाता है, वो चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं और उनको चाय से इंटरेस्ट बढ़ जाता है और चाय में उनको इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी मार्केट हैं, चाय शॉप पे अगर जाते हैं, होटल पे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो चाय का जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़ रहा है। इस दौर में आप देख भी सकते हैं बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो कि चाय पर ही बनी है। जो लुक्कड़ चाय है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्यों कर रहा है कि वो जो लुक्कड़ चाय वाले हैं क्या कर रहे हैं,
अपने चाय को क्वालिटी दे रहे हैं। क्वालिटी कैसे दे रहे हैं? वो जो दूध का चाय बना रहे हैं उसमें पानी वो मिक्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो चाय होती है वो नंबर वन की होती है और वो अपने चाय को एक अलग से क्वालिटी दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का जो कप है, उसको आग पे जलाते हैं और जलाने के बाद उसे चाय में डालते हैं। और उस चाय में डालने से क्या होता है कि वो जो चाय है उसकी जो टेस्ट है वो बढ़ जाती है और उसमें सौंधापन आ जाता है। इसके लोगों को जो है वो क्वालिटी अच्छी लग रही है, वो उन सबको अच्छा लग रहा है और वो बहुत, और पब्लिक इस चाय को बहुत डिमांड कर रही है, उनको अच्छा लग रहा है, टेस्ट इसमें, इस चाय में उनको इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो दोस्तों ये जो चाय का बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा और इसमें फेल होने की कोई संभावना नहीं है, ये 100% जो है वो सक्सेस करेगा। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि कोई भी बिजनेस हो वो अच्छा से कीजिएगा और उसमें आप क्वालिटी देंगे तो आपका बिजनेस 100% ग्रो होने वाला है। दोस्तों आइए नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 3 है कॉफी शॉप। दोस्तों जैसे आपको पता है और हमने अभी ही बताया कि चाय का जो है इंटरेस्ट लोगों में बढ़ता ही जा रहा है, चाय का डिमांड बढ़ते जा रहा है, उसी तरह ये कॉफी भी है। कॉफी एक तरह की मेडिसिन का भी काम करता है। ये जो कॉफी है, कॉफी हर आदमी को अगर आप देंगे वो जरूर पिएगा। कॉफी जो है वो हर आदमी पिएगा। व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे, हम चाय नहीं पीते, उनको कॉफी दीजिए, वो जरूर पिएगा। दोस्तों ये जो कॉफी का बिजनेस है वो भी 100% ग्रो होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉफी है वो एक मेडिसिन का भी काम करता है। माइग्रेन वाले जो भी व्यक्ति हैं वो कॉफी पीते हैं, और अगर आप अच्छे के अपने शॉप को डेकोरेट कर देंगे या कैफे की तरफ बना देंगे कि व्यक्ति जाकर वहां पे बैठे, कुछ दोस्तों के साथ वहां पे समय बिताए, तो ये कॉफी शॉप भी 100% ग्रो होगा। दोस्तों आइए हम टॉपिक नंबर 4th की बात करते हैं। दोस्तों टॉपिक नंबर 4th है ट्रेवल सर्विस। दोस्तों ये जो ट्रेवल सर्विस है वो भी बहुत तेजी के ग्रो कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो ट्रेवल सर्विस है वो भी 100% ग्रो करेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर ये लेके समझे, आप अपने ही दिमाग से सोचे, आपको अगर कहीं ट्रेवल करना हो, कहीं जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो आप कैसे जाएंगे? क्या आपको कोई जगह ऐसा पता है जो अच्छा हो और वहां पे आपको कंफर्ट फील होगा? क्या आप जानते हैं कौन से आप जगह पे जाएंगे तो आपको वहां पे हर सुविधा भी मिल जाएगी और आप ट्रेवल भी कर पाएंगे और घूम भी लेंगे? तो दोस्तों इसलिए अगर ऐसा कोई ऑफिस हो जहां पे लोग जाएं और वहां पे पता करें कि घूमने के लिए कौन सा जगह अच्छा है और वहां पे कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी और इनको कुछ नहीं करना पड़े, बस जो ट्रेवल सर्विस दे रहा है वो ही सब आपका इंतजाम कर दे, तो क्या आप नहीं जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। आपको वहां पे कुछ नहीं करना होगा और जो आपका कस्टमर होगा वो सिर्फ आपके पास जाएगा और कहेगा कि हमको ट्रेवल करना है, हमको घूमने जाना है, आप हमें बताइए कि कौन सा जगह अच्छा होगा जहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो, हम अच्छे से घूम भी ले और अपने घर चले आए। इसलिए ये भी जो आइडियाज है वो 100% सक्सेस होगा। अब आइए टॉपिक नंबर 5th की बात करते हैं। दोस्तों टॉपिक नंबर 5th ट्रांसपोर्ट सर्विस। दोस्तों ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है ये
बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, दिन प्रतिदिन इसकी नीड बढ़ते ही जा रही है। दोस्तों जितने भी बिजनेस हो रहे हैं उनका हर ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी सारे सामान होते हैं सबका ट्रांसपोर्ट होता है। आज के जमाने में कोई भी अपने दुकान छोड़कर जाना नहीं चाहता, वो बैठे बैठे ऑर्डर करता है और कंपनी के उनका माल ट्रांसपोर्ट के जरिए चला आता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाले कितने कंपनी हैं। बहुत कम ही कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिले भी हो जा रही है। जो ट्रांसपोर्ट सर्विस चल रहे हैं उसमें दिक्कत भी आ रही है, कस्टमर को अपने समय पे माल नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ये भी जो बिजनेस है वो 100% ग्रो होगा और इसमें आपको 100% मिलेगी। अब आइए अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 6 की। जो 6 हमारा टॉपिक है वो है कोरियर और डिलीवरी। दोस्तों ये तो हमारा जो है टॉपिक 200% की गारंटी है, ये चलेगा ही चलेगा, ना कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि ई कॉमर्स या जितने भी ई कॉमर्स वाले हैं या जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो तो अपने भी बिजनेस में ही हैरान है। वो अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी रिव्यू की जरूरत होती है, कोरियर जो है वो कोरियर कहीं भेजना हो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप बताइए वो कैसे अपना माल को पहुंचा पाएंगे। अगर कोई दुकान है, कोई दुकान किया है अगर वो अपने दुकान को ऑनलाइन शिफ्ट करता है तो वो कहाँ से डिलीवरी बॉय लाएगा, वो कितना मैनेज करेगा, आप ही बताइए। इसलिए ये जो डिलीवरी और कोरियर का जो बिजनेस है वो भी अत्यज होगा। ये बिजनेस आप कर सकते हैं, आप एक कंपनी की नाम दे सकते हैं और फेसबुक पे अपना पेज भी बना सकते हैं। आपको ऑर्डर को डिलीवर करना होगा। दोस्तों ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा इसमें कोरियर और डिलीवरी का जरूरत नहीं होगा। हर बिजनेस में डिलीवरी बॉय की जरूरत होती है। वो अगर ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है तो उसमें कोरियर बॉय की जरूरत होगी। दोस्तों आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं, जिस कस्टमर को, जिस दुकानदार को सर्विस बॉय, कोरियर बॉय की जरूरत होगी वो आपके कॉन्टेक्ट करेगा और अपने सामान को डिलीवर कराएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।